Hello my dear students, welcome to my class and in this video we are going to cover class 3rd EVS chapter 5 Birds Our Feather Friend. ठीक है, तो इसके टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बर्ड्स. तो हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ दे कैन फ्लाई और क्या क्या उनके चीज़ें हैं जो स्पेशल होती हैं. सो यहाँ पे एक कोट दिया गया है, लेट्स रीड इट. अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री इज नेवर अफ्रेड ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग बिकॉज हर ट्रस्ट इज नॉट ऑन द ब्रांच बट इट्स ओन विंग्स, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो एक बर्ड होती है जब वो ब्रांच पे बैठी होती है तो वो ब्रांच पे बिलीव नहीं करती, वो अपनी उसको ट्रस्ट होता है अपने विंग्स पर. तो इसलिए हमें भी अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए. अगर डाल ये टूट भी जाती है, ब्रांच टूट जाती है, तो बर्ड को पता है कि वो उड़ जाएगी क्योंकि उसके विंग्स हैं. ठीक है, नाउ बर्ड्स क्या होती हैं. बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलरफुल एंड अमेजिंग एनिमल. ये एक बहुत ही सुंदर और कलरफुल एनिमल है. दे आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फैदर्स ऑन देयर बॉडी. ये सिर्फ मतलब एक ऐसा एनिमल है जिसके फैदर्स होते हैं बॉडी पे. दे आर वेरी शाई एनिमल्स हु आर ऑलवेज ऑन गार्ड फॉर साइन ऑफ डेंजर. ये बहुत ही शाई होते हैं नेचर में, यानी कि हमेशा थोड़े से डरे हुए रहते हैं क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ डेंजर है आसपास. ठीक है, तो हमेशा उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं. आप देखेंगे कभी भी वो आपके पास नहीं आएंगे, अब वो ज़रा सी मूवमेंट होगी तो वो उड़ जाती हैं. पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी, अब हम उनकी बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स विंग्स बीक क्लॉज. सारी बर्ड्स में ये सारी चीज़ें होती हैं. क्या क्या होती हैं? फेदर्स होते हैं, उनके पंख होते हैं, विंग्स होती हैं, उनकी बीक होती है, चोंच, क्लॉज, क्लॉज यानी कि जो उनके पंजे होते हैं पैर के. सम फीचर्स ऑफ बर्ड्स बॉडी आर, अब यहाँ पे उसकी बॉडी के कुछ फीचर्स दिए गए हैं. देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विद फेदर्स. जो उनके फोर लिम्स, लिम्स क्या होते हैं, जो हाथ पैर होते हैं उनको लिम्स कहते हैं. और फोर लिम्स मतलब आगे वाले जो, अब वो किसी किसी में वो पैर, एनिमल्स में वो पैर होते हैं, किसी में हाथ होते हैं, तो जो भी हैं फोर लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो गए होते हैं विंग्स में. ठीक है, और उसमें क्या लगे होते हैं, फेदर्स लगे होते हैं. दे आर बोट शेप्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी. उनकी शेप कैसी होती है बॉडी की, ऐसी होती है ना, तो इस शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी क्योंकि ये उनको उड़ने में हेल्प करती है. हेल्प्स देम टू कट थ्रू द एयर इजीली, जिससे वो इजीली एयर को कट करके फ्लाई कर पाती हैं. नाउ यहाँ पे हमें देखना है ये नॉलेज पीडिया. द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच. जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट बर्ड है दैट इज ऑस्ट्रिच. अराउंड 140 kg इसका वेट होता है. हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड. जो हमिंग बर्ड होती है वो सबसे छोटी बर्ड होती है और इसका साइज होता है, इसका वेट होता है 10 grams ओनली. ईस्टर बर्ड ऑफ साउथ अमेरिका लेज मल्टी कलर्ड एग्स. साउथ अमेरिका में एक बर्ड होती है जिसका नाम है ईस्टर बर्ड. वो कलरफुल एग्स देती है. ठीक है, तो ये बहुत ही क्यूट भी लगती है और इसके उस पर बहुत सारे डेजर्ट वगैरह भी प्रिपेयर किए जाते हैं. इस मतलब इस बर्ड को रिसेम्बल करते हुए डेजर्ट्स भी बनाए जाते हैं. दे हैव लाइट हॉलो बोन्स विच आर फिल्ड विद एयर टू कीप द बॉडी लाइट. उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, मतलब बीच में उसमें स्पेस होता है और जो एयर से फिल्ड होती हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो लाइट रहे. देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो उनकी मसल्स होती हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सकें और एयर में देर तक स्टे कर सकें. दे हैव अ टेल टू मेंटेन बैलेंस इन एयर एंड चेंज डायरेक्शंस. और उनकी जो टेल होती है उनको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है और डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. हेयर आर सम टाइप ऑफ बर्ड्स गिवन. यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारी बर्ड्स हैं और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ
बर्ड है, क्या है, आई, हेड, नेप इसको बोलते हैं, उनकी गर्दन को बोलते हैं, ये नेक है, पीछे विंग्स हैं, ये फेदर है, ये टेल है, टार्सस है, ये क्लॉज है, एंड ये बॉडी और उसकी चोंच को बोलते हैं बीक। टाइप्स ऑफ फेदर्स, अब उनकी बॉडी में अलग अलग टाइप के फेदर्स भी होते हैं। द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स, दीज आर बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। तो कितने टाइप के हमने पढ़े, बॉडी फेदर, डाउन फेदर एंड फ्लाइट फेदर्स। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये किस टाइप के होते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स भी गिवन है। तो बॉडी फेदर्स जो हैं, दीज आर स्मॉल एंड स्टिफ फेदर्स दैट गिव कलर एंड अ शेप टू द बॉडी। ये छोटी और स्टिफ फेदर्स होती हैं, ये होती है बॉडी फेदर। ये इसमें देखने में बहुत बड़ी लग रही है लेकिन ये बहुत छोटी छोटी होती हैं। दे कवर द होल बॉडी ऑफ द बर्ड्स, और इसी से बर्ड्स की सारी बॉडी कवर होती है, और जिस कलर की ये होती है उसी कलर की हमें वो बर्ड दिखाई देती है। फ्लाइट फेदर्स, दीज आर लॉन्ग एंड फ्लैट फेदर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द विंग्स एंड टेल। फ्लाइट फेदर्स आर यूज फॉर फ्लैपिंग, प्रोवाइडिंग बैलेंस एंड हेल्प द बर्ड्स इन फ्लाइंग एंड चेंजिंग डायरेक्शन। तो एज द नेम सजेस्ट कि इसका नाम क्या है, फ्लाइट फेदर्स, तो ये इसको उड़ने में हेल्प करते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड फ्लैट होते हैं, लंबी होती हैं, और ये देखिए लॉन्ग एंड फ्लैट होती हैं, और विंग्स में और टेल में प्रेजेंट होती है। इससे क्या होता है, फ्लैप करके वो बैलेंस करने में हेल्प करता है और डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डाउन फेदर्स, डाउन फेदर्स कौन सी होती हैं, ये होती हैं डाउन फेदर्स, दीज आर स्मॉल एंड फ्लफी फेदर्स, ये छोटी होती हैं और इस टाइप से थोड़ी सी फ्लफी होती हैं। दे आर प्रेजेंट अंडर द फ्लाइट फेदर्स, दे कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वॉर्म। ये जो बर्ड की ये फ्लाइट फेदर्स होती हैं इसके नीचे होती हैं और ये बर्ड को अपनी बॉडी वॉर्म रखने में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट योर नॉलेज, कलर द बर्ड विच आर कॉमनली फाउंड अराउंड अस। अब आपको इनको कलर करना है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ऑल दो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स, दे फ्लाई डिफरेंट डिस्टेंसेज एंड एट डिफरेंट हाइट्स। तो सारी ही बर्ड्स में विंग्स एंड फेदर होते हैं, बट सब इक्वल डिस्टेंस या इक्वल हाइट पे नहीं उड़ते हैं। आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स बहुत हाइट पे उड़ती हैं, कुछ बर्ड्स बहुत छोटी छोटी हाइट्स पे उड़ पाती हैं, और इवन कुछ बर्ड्स तो ऐसी भी हैं जो नहीं उड़ पाती हैं। सो हम देखते हैं कि कौन सी बर्ड्स कैसी होती हैं। जैसे ईगल एंड वल्चर फ्लाई वेरी हाई, जो ईगल एंड वल्चर होते हैं वो बहुत ही हाइट पे उड़ सकती हैं। स्पैरोज एंड बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट्स, जो स्पैरो एंड बुलबुल होती है वो कम हाइट पे उड़ती है। पीकॉक एंड हैंस फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस, और ये जो पीकॉक एंड ये है हैन, ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस तक ही उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेन्स एंड स्वेलोज फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो क्रेन होती है और ये स्वेलोज होती हैं वो बहुत दूर दूर तक डिस्टेंस एक बार में उड़ सकती हैं। बर्ड्स लाइक पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच एंड एमू आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब ये ऐसी बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती हैं, दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल बिकॉज ऑफ हैवी बॉडीज एंड वीक फ्लाइट मसल्स। तो इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही हैवी होती है और इनकी जो मसल्स हैं वो वीक होती हैं, इसलिए ये उड़ नहीं पाती हैं। बीक्स ऑफ बर्ड्स, अब डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड की बीक्स भी आपने देखी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पैरट है, इसकी बीक कैसी है, इसकी बीक कैसी है। सो जस्ट लाइक अदर एनिमल्स बर्ड्स ऑल्सो ईट फूड, बर्ड जैसे दूसरे एनिमल फूड खाते हैं वैसे एनिमल को भी फूड चाहिए। हाउ एवर दे डू नॉट हैव टीथ टू कट और च्यू फूड, लेकिन बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं। दे हैव अ हार्ड हॉर्नी पार्ट ऑन देयर माउथ कॉल्ड बीक, तो उनका जो माउथ होता है उस पे एक हॉर्नी पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बीक, चोंच, ठीक है, इससे वो अपना फूड जो है कट करती हैं। अब बीक इज़ यूजफुल टू अ बर्ड इन मैनी वे सच एस, अब हम देखेंगे कि ये जो बीक होती है किस किस चीज़ में बर्ड्स को हेल्प करती है। टू ऑब्टेन देयर फूड, वो अपना फूड इससे खाते हैं। टू पिक थिंग्स टू ईट और
टू बिल्ड देयर नेस्ट. वो चीज़ों को पिक करने में यूज़ करती हैं अपनी बीक की, यानी कि उठाने में, अपना नेस्ट, अपना घोंसला बनाने में. टू मेक साउंड्स, साउंड्स निकालती हैं वो अपनी चोंच से. टू फाइट विद देयर एनिमीज, अपने एनिमीज से वो फाइट करती हैं. टू फीड देयर चिक्स एंड प्रोटेक्ट देम, उनके जो चिक्स निकलते हैं, बच्चे होते हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करती हैं और अपनी बीक से उनको खाना खिलाती हैं. द टाइप ऑफ बीक अ बर्ड हैज़ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स. तो डिपेंड करता है वो जिसकी उसकी बीक कैसी है कि वो कैसा फूड खाती हैं. हुप्ड बीक्स किसकी होती है, इस टाइप की हुप्ड बीक्स होती है आउल्स, वल्चर्स, ईगल्स एंड हॉक्स की, क्योंकि हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुप्ड बीक टू टेयर देयर प्रे इनटू स्मॉल पीसेस. क्योंकि ये क्या होते हैं, ये ओमनीवोरस बर्ड्स हैं जो कि क्या दूसरी बर्ड्स को, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है, तो इसलिए इनकी जो बीक होती है वो इस टाइप की होती है ताकि वो अपनी प्रे को स्मॉल पीसेस में टीयर कर सकें. स्पेयर शेप्ड बीक, अब इसकी जो बीक है वो स्पेयर्ड शेप है. कौन है ये, किंगफिशर है. ओके, सो किंगफिशर्स एंड हिरॉन्स हैव लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड बीक टू कैच फिश. इनकी ऐसी बीक होती है ताकि ये फिश को पकड़ सके. चीजल शेप्ड बीक, अब ये वुडपेकर है. वुडपेकर हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बैक टू मेक होल्स एंड कैच इंसेक्ट्स इनटू द ट्री, इन द ट्री ट्रंक. तो इनकी बीक जो होती है वो इस टाइप से बनी होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को, बर्ड की जो ट्री की ट्रंक होती है उसमें से इंसेक्ट्स को पकड़ सकें. स्ट्रेनर बीक, ये होती है स्ट्रेनर बीक. डक्स एंड स्वान्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बीक, इनकी ऐसी बीक होती है ना, फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग विद होल्स ऑल अलोंग द एजेस टू अलाउ वाटर एंड मड टू गो आउट एंड इंसेक्ट्स टू स्टे इनसाइड, ताकि वो जो अपना प्रे है उसको वो पानी में से अच्छे से निकाल के उसका पानी स्ट्रेन हो जाए. ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेनर बीक कहते हैं. शॉर्ट हॉर्नी बीक, अब ऐसी शॉर्ट हॉर्नी बीक किसकी होती है, स्पैरो की. स्पैरो एंड पीकॉक्स हैव शॉर्ट थिक एंड कोनिकल बीक टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स. ठीक है, ये सीड्स खाते हैं इसलिए इनकी बीक जो होती है छोटी सी कॉनिकल शेप की होती है. लॉन्ग ट्यूब लाइक बीक, ये हमिंग बर्ड है और इसकी बीक एकदम लॉन्ग और ट्यूब लाइक होती है. हमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रॉ लाइक बीक टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, क्योंकि ये फ्लावर्स में से नेक्टर कलेक्ट करती हैं. हेयर यू हैव टू राइट नेम ऑफ द बर्ड विच ईट्स फिश, ईट्स ग्रीन चिलीज, ईट डेड एनिमल्स, सक्स नेक्टर. तो ईट फिश, फिश कौन खाता है, स्वान, यू कैन राइट स्वान. ग्रीन चिलीज कौन खाता है, पैरट. ईट्स डेड एनिमल्स, ईगल या वल्चर, यू कैन राइट हियर ईगल और वल्चर. सक्स नेक्टर, तो इसमें आएगा हमिंग बर्ड. नेक्स्ट है फीट एंड क्लॉज ऑफ अ बर्ड. अब इनके जो फीट्स और क्लॉज होते हैं वो भी डिफरेंट काइंड के होते हैं ऑफ द एवरी बर्ड्स. सो ऑल बर्ड्स हैव टू फीट विद क्लॉज, हर बर्ड के टू फीट होते हैं और उसमें से क्लॉज होते हैं. द क्लॉज हेल्प देम टू कैच देयर फूड, मूव अराउंड, होल्ड थिंग्स टू मेक नेस्ट एंड फाइट विद देयर एनिमीज. तो जैसे उनकी बीक के कुछ फंक्शंस होते हैं वैसे ही उनके क्लॉज के भी होते हैं, जैसे कि वो अपना फूड कैच कर सकते हैं. उनको जैसे हम चलने के लिए अपने लेग्स का यूज़ करते हैं वैसे वो भी करते हैं. थिंग्स को होल्ड कर सकते हैं, अपने नेस्ट को बनाते हैं एंड अपने एनिमीज से फाइट करते हैं. दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज अकॉर्डिंग टू द प्लेस दे लिव एंड द फूड दे ईट. लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड देयर यूजेस. तो अब हम इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉज और उनके यूजेस को पढ़ेंगे. उससे पहले हम ये नॉलेजपीडिया पढ़ लेते हैं. ऑस्ट्रिचेस हैव द लार्जेस्ट आई देन ऑफ एनी लैंड एनिमल. तो लैंड, किसी भी लैंड एनिमल से बड़ी आईज किसकी होती है, ऑस्ट्रिच की होती है.
हमिंग बर्ड्स एवरेज बॉडी वेट इज 2 to 4 grams ओनली। तो वैसे तो हमने पढ़ा था कि वो मैक्सिमम वेट था, जो 10 ग्राम लिखा था ना वो हमिंग बर्ड का मैक्सिमम वेट था, लेकिन इनका जो एवरेज वेट है वो 2 to 4 grams ही रहता है। वेडिंग बर्ड्स, वेडिंग बर्ड्स लाइक क्रेन्स, हीरोन्स एंड स्टॉक्स हैव लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड आउट टोज टू वॉक ईजिली इन शैलो वाटर। वेडिंग मतलब होता है जो पानी में चलते हैं, तो ऐसी बर्ड्स जो पानी में चलती हैं उनकी लेग्स कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और ताकि वो शैलो वाटर में चल सकें। स्विमिंग बर्ड्स, स्विमिंग बर्ड्स जो पानी में स्विम करती है, ये वेडिंग बर्ड्स हो गए जिनके लेग्स बड़े बड़े होते हैं, और ये स्विमिंग बर्ड्स हैं जैसे कि डक, स्वान। स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स हैव 3 webbed toes इन फ्रंट एंड 1 small toe एट द बैक। तो उनके जो फीट होते हैं वो ऐसे होते हैं, 3 आगे होते हैं और ये वेब्ड होते हैं, इसको वेब्ड बोलते हैं, जो उनकी फिंगर्स ऐसे जुड़ी हुई होती है इसको वेब्ड बोलते हैं। माय ग्रैनी सेज वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व द बर्ड्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, वी कैन यूज बिनोक्यूलर्स टू वॉच देम, गेटिंग टू क्लोज टू देम डिस्टर्ब देम अ लॉट। तो हमें उनको दूर से, बर्ड्स को हमें दूर से ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो इससे डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स, स्क्रैचिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं, स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैंस हैव 3 toes इन फ्रंट एंड अ शॉर्ट हिंड टो हायर अप द लेग्स। तो इनकी आगे ऐसे ऐसे 3 legs होती हैं और पैर में ऊपर जाके छोटी सी एक पीछे टो होती है। दीज बर्ड्स स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड फूड, ये ग्राउंड को स्क्रैच करके अपना फूड फाइंड करती हैं, इसलिए इन्हें स्क्रैचिंग बर्ड्स कहते हैं। फिर है पर्चिंग बर्ड्स, पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रोज, स्पैरोज एंड पीजन्स हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 behind टू कर्ल अराउंड द ब्रांच टू होल्ड इट फर्मली। तो इनकी भी ऐसे ही 3 आगे होती है और 1 पीछे होती है ताकि ये ब्रांच को ईजिली होल्ड करके पकड़ सके। पर्चिंग बर्ड्स स्लीप ईजिली वाइल होल्डिंग द ब्रांच, ये ईजिली ब्रांच पे सो सकती हैं। प्रेइंग बर्ड्स, प्रेइंग बर्ड्स कौन सी होती हैं, जो दूसरे मतलब शिकार करती हैं, ठीक है। प्रेइंग बर्ड्स हैव अ लार्ज कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलेंस, उनके बड़े बड़े क्लॉज होते हैं जिसे टैलेंस कहते हैं, टू कैच किल एंड कैरी द प्रे, ताकि वो अपने प्रे को मार सकें इजीली और उसको कैरी कर सकें। दे ऑल्सो हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 at the back, फॉर एग्जाम्पल ईगल, हॉक, आउल, वल्चर एसेट्रा। तो इन सारे की प्रेइंग, ये सारी प्रेइंग बर्ड्स हैं और इनके जो क्लॉज होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। क्लिम्बिंग बर्ड्स, क्लिम्बिंग बर्ड्स लाइक पैरट्स एंड वुड पैकर्स हैव 2 toes इन फ्रंट एंड 2 behind, और ये जो क्लिम्बिंग होती है इनकी 2 सामने होती है इस टाइप से और 2 पीछे होती है इस टाइप से, इसमें नेल्स भी होते हैं, ठीक है, तो ताकि ये इजिली क्लिम्ब कर सके। ऑन ट्रीज ट्रंक, क्योंकि ये पेड़ के उसमें रहती हैं, पेड़ में जो गड्ढे बने होते हैं उसमें ये रहती हैं, तो इसमें बर्ड पे क्लिम करके जाती हैं, सो इसलिए इनकी क्लॉज ऐसी होती है। नाउ रीड एंड रिकॉल, तो हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल विच हैव विंग्स एंड फैदर्स, तो बर्ड्स एक ऐसी एनिमल्स हैं अकेली जिनके विंग्स एंड फैदर्स होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट फूड, बर्ड्स के टीथ नहीं होते, दे हैव बोनी टंग एंड बीक टू ईट फूड, उनके जो टंग होती है और बीक जो होती है उससे वो फूड खाते हैं। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, फ्लाइट मसल्स, विंग एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम टू फ्लाई इन एयर, उनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है और उनकी मसल्स जो होती हैं फ्लाइट मसल्स होती हैं, यानी कि स्ट्रांग होती हैं, और उनकी विंग्स होती हैं और बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। देयर आर 3 types ऑफ फैदर्स, फैदर्स 3 types के होते हैं, फ्लाइट फैदर्स, बॉडी फैदर्स एंड डाउन फैदर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स एंड क्लॉज, डिफरेंट टाइप ऑफ फैदर के डिफरेंट डिफरेंट बीक्स एंड क्लॉज होते हैं। सो इसकी हम कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, डैश आर द ओनली एनिमल विथ फैदर्स, कौन से एनिमल है जिनके फैदर्स होते हैं, ऑप्शन सी बर्ड्स। इट इज नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है, पेंगुइन तो फ्लाइटलेस बर्ड है तो ये नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है, पीजन। इन इट कैन फ्लाई एट अ लो हाइट ओनली, तो कौन है इसमें से जो सिर्फ लो हाइट पे
फ्लाई कर सकते हैं, हैन, स्पैरो या पीकॉक। तो ये तीनों ही लो हाइट पे फ्लाई करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। और इसमें से हैन और पीकॉक ऐसे हैं जो डिस्टेंस भी शॉर्ट ही फ्लाई कर पाते हैं, स्पैरो एक ज़्यादा डिस्टेंस फ्लाई कर सकती है। नेक्स्ट है इट पैक्स इनटू ट्री ट्रंक्स टू मेक द नेस्ट। ये ट्री ट्रंक में पैक करते हैं और अपना नेस्ट बनाते हैं, कौन है, वुडपेकर। फिफ्थ है डैश इज नॉट अ क्लिम्बिंग बर्ड। इसमें से कौन है जो एक क्लिम्बिंग बर्ड नहीं है, पीजन, पैरट, वुडपेकर या पैराकीट। तो इसका आंसर है डी, पैराकीट। नेक्स्ट है नेम ऑफ सम बर्ड्स जंबल्ड अप अनजंबल्ड देम। यहाँ पे स्पेलिंग्स जंबल करके दी गई हैं और इन बर्ड्स के नेम हमें अनजंबल करने हैं। सो फर्स्ट वन इज पीकॉक, सेकंड इज ईगल, यू कैन राइट इट इन कैपिटल लेटर्स ओनली। इसके बाद है कैरापीट, सॉरी पैराकीट। यहाँ पे एल एक्स्ट्रा दे दिया है, दिस इज रॉन्ग। इसके बाद है ये कौन सी बर्ड्स है, पेलिकन। फिर है वुडपैकर, नाउ लेबल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड। यहाँ पे हमें इसकी बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है, सो ये क्या है, दिस इज हेड। उसके बाद नेप, विंग, फेदर, टेल, आई, बीक, नेक, बॉडी एंड दिस इज क्लॉज एंड दिस इज टैरसस। नेक्स्ट है ड्रॉ अ हैप्पी फेस फॉर एवरी करेक्ट एंड अ सैड फेस फॉर एवरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए हमें स्माइलिंग फेस ड्रॉ करना है और जो रॉन्ग है उसके लिए हमें सैड फेस को ड्रॉ करना है। कुकू इज सिंगिंग बर्ड, यस, तो यहाँ पे आपको स्माइलिंग फेस ड्रॉ करना है। द शेप ऑफ द बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द फूड दे ईट, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। बोन्स ऑफ अ बर्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, नो उनकी बोन्स लाइट होती है, तो यहाँ पे आपको सैड फेस ड्रॉ करना है। पर्चिंग बर्ड्स हैव टैलेंट्स, यस यहाँ पे स्माइलिंग फेस। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट डिस्टर्ब द नेस्ट ऑफ अ बर्ड, यस बर्ड्स यूज देयर बीक टू बिल्ड देयर नेस्ट, यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स एंड ये एक पजल है जिसको हम एक वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इसको वर्ड गेम को हमें इसमें हमें वर्ड्स फाइंड करने होते हैं जिससे हम इजीली फाइंड कर पाएं। सो दीज एक्सरसाइजेज यू हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।